नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार यादव। आपको बताते चले, जहाँ पर मोदी जी का कल आगमन होना है, आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे कि आखिर यही लगता है कि बिल्कुल संगमरमर का पत्थर लगा है। और हमारे साथ पूर्वी नेता बाराबंकी आरसी पटेल हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता की इतनी ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है आम जनता के लिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री के आने के लिए इतनी चुस्त व्यस्त व्यवस्था रखी जाती है, वो तो हम आरसी पटेल से जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, ये सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की तैयारी सरकारी अधिकारियों ने अपने तरीके से करा रखी है। ये आप हाल देख रहे हैं, इस हाल में बैठ करके कुछ अधिकारियों के साथ गुफ्तगू की जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कल इसी कार्यक्रम स्थल में आ रहे हैं और यहीं पर उनका कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम के और भी कई स्थल हैं, उन स्थल को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अंदर आप देख चुके हैं किस तरह से ट्रीटमेंट व्यवस्था एकदम मेंटेन है, लेकिन बाहर भी आपको दिखाएंगे, कहीं पर एक गर्दा धूल नहीं पाओगे। और यही लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं कोई यहाँ पर भगवान उतरेंगे, उस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। क्या आम जनता के लिए इसी तरह सोचा जाता है, आगे हम आपको और दिखाते हैं। गांधी संस्थान में आज हम दूसरे हॉल में हैं और हम जानेंगे कुर्मी नेता आरसी पटेल से, जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं, कि आखिर ये कौन सा हॉल है, ये कौन सा हॉल है आरसी पटेल। ये इंदिरा गांधी संस्थान है। इंदिरा गांधी संस्थान का ये दूसरा हॉल है। इस हॉल को मरकरी हॉल कहते हैं। उस हॉल में, जिस हॉल में अभी हम आपको ले गए थे, उसमें 202 सीटें थी, इस हाल में 400 सीटें हुआ करती हैं। इसमें एक सीट छोड़ करके दूसरे सीट पर व्यक्ति बिठाया जाएगा, इसलिए कोरोना टेस्ट के हिसाब से जो है इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। ये दूसरा हाल है। अभी इसमें एक हाल और भी है जिसमें कुछ इसी तरीके का हाल बना है। ये सामने LCD लगी है, लाइव प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री जी का 10:30 से शाम को 6 बजे तक चलेगा। सामने एक और LCD लगी है, उधर भी जो है इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है कि भारत में रहने वाली माताएं शक्तिशाली बने, अपने घर में रह करके ही उनके अंदर जो हुनर है उस हुनर का इस्तेमाल करें। तमाम महिलाओं ने मास्क बना रखा है, सैनिटाइजर बना रखा है, तमाम वो सारी चीजें बना रखी हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। इस तरीके की यहाँ पर कितनी महिलाओं को वैसा सम्मान दिया जाएगा? 1500 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा इस इंदिरा गांधी संस्थान में, और 1500 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में पूरे देश को मैसेज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं करने के लिए। आदित्यनाथ योगी जी को का सपना साकार हो उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री शेर हमारा उत्तर प्रदेश का लाडला बेटा आदित्यनाथ योगी जी 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्हीं की मंशा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कल इस संस्थान में 10:30 पर आ जाएंगे। ये संदेश देना है हमको आपके चैनल से। देखिए, हम तीसरे हॉल में आ चुके हैं और हमारे साथ फिर वही नेता हैं, बार बार वही नेता हैं, लेकिन आखिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस हॉल में कितनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएगी, यहाँ लोगों को, आने वाले लोगों को कितनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। देखो, ये इंदिरा गांधी संस्थान में आप खड़े हैं। अभी तक आपको मैंने सेकंड स्टोरी पर पहले हाल को दिखाया, फिर ग्राउंड फ्लोर में दूसरे हाल को दिखाया, इस तीसरे हाल में आप खड़े हैं। इस हाल में तकरीबन 400 सीटें लगी हैं सामने, और इस 400 सीटों के ऊपर बालकनी भी बनाई गई है जिसपे भी 50 सीटों से अबव दर्शाई गई हैं। इन हालों से कल हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जुबिटल हॉल में आकर के
10:30 पर अपनी वार्ता शुरू करेंगे। स्वागत सम्मान समारोह के कार्यक्रम के बाद तमाम महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन महिलाओं के को मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे जो महिलाएं। लेकिन जहां पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं अभी कोरोना गया नहीं, कोरोना भी है, लेकिन जिस तरह से यहां इस हॉल में देखने को मिल रहा है, इतने पास में कुर्सियां पड़ी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि यहां पर कोरोना नहीं आएगा? सबसे पहले इस कार्यक्रम में ये व्यवस्था कर रखी गई है कि एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठेगा तो दूसरी खाली, तीसरी पर बैठेगा तो चौथी खाली, पांचवी पर बैठेगा तो छठी खाली, एक कुर्सी के बीच में एक कुर्सी खाली रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बगैर मास्क के एंट्री ही नहीं होगी और बगैर कोरोना टेस्ट के कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं पा सकता, उसको पास भी नहीं मिलेगा। और ये कार्यक्रम 10 बजे से शाम को 6 बजे तक चलते रहेंगे, इन कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण चलता रहेगा। ये इंदिरा गांधी संस्थान में 4 हाल इस तरीके से हैं। सबसे बड़ा हाल जो जुट्टल हाल है, उस हाल के अंदर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण को रखेंगे, यही आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे और हम दिखाते हैं जो यहाँ की सुविधाएं हैं कितनी ज़्यादा हैं और क्या है आगे, हम और दिखाएंगे। बने रहें लव कुश यादव के साथ।